पुलवामा आतंकी हमले के बाद से भारत समेत कई देशों ने जिस तरह से आतंकवाद पर कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाया, उसके बाद से इमरान खान सरकार हरकत में आ गई है। पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 संगठनों पर बैन लगा दिया है। ये सभी संगठन प्रतिबंधित संगठन जमातुल दावा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन और जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक शुक्रवार को प्रधानमंत्री इमरान खान और गृह मंत्री एजाज शाह की बैठक में इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि इमरान खान ने जेयूडी को मार्च में प्रतिबंधित किया था। जिन संगठनों पर पाबंदी लगाई गई है वे है अल अनफाल ट्रस्ट, इदारा खिदमत खल्क, अल दावत उल इरशाद, मोस्क्यू एंड वेलफेयर ट्रस्ट, अल मदीना फाउंडेशन, माज बिन जबील एजुकेशन ट्रस्ट और अल हम्माद ट्रस्ट हैं। ये सभी लाहौर में हैं। जेयूडी की तरह एफआईएफ पर भी मार्च में पाबंदी लगाई गई थी। एनएसीटीसी के मुताबिक बहावलपुर के अल रहमत ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन और कराची के अल फुरकान ट्रस्ट पर भी जेईएम के साथ संबंध को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जेईएम पर जनवरी 2002 में पाबंदी लगाई गई थी।